गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल पूजा सडा। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ वाटरफॉल साड़ी ड्रेप, जो कि आप अभी दिवाली में और फिर उसके बाद छठ आ रहा है, आप उसमें ये वाला जो साड़ी ड्रेप है वो ट्राई कर सकते हैं। अगर आप जो यूजुअल साड़ी ड्रेप होता है, सीधा पल्ला उल्टा पल्ला, ये तो हम हर टाइम ही वेयर करते हैं। सो इस बार अगर आपको कुछ अलग ट्राई करना है, नॉर्मल से थोड़ा सा अलग तरीके से साड़ी को ड्रेप करना है, सो आप ये वाटरफॉल ड्रेप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है, एलिगेंट लगता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें ना जो आपका साड़ी का बॉर्डर है, आपके साड़ी का पल्लू है, सब कुछ बहुत अच्छे से फ्लॉन्ट होता है। एंड ड्रेप ज़्यादा टफ भी नहीं है, ईजी है, झटपट ड्रेप हो जाता है। सो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ वाटरफॉल साड़ी ड्रेप। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखिएगा। सो वीडियो के एंड में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। सो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज मैं ब्यूटीफुल सी ये रेड साड़ी ड्रेप कर रही हूँ, जिसमें कि काफ़ी हैवी बॉर्डर है। एंड यहाँ पे मैंने नॉर्मल पेटीकोट वेयर किया है, आप साड़ी शेपर भी वेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ड्रेप है स्टार्ट करने का, नॉर्मल साड़ी का जो ड्रेप होता है उसी तरीके से आपको सामने से स्टार्ट करना है, लाइक अपने राइट हैंड साइड के स्ट्रेट से आपको टक इन करना है, स्टार्ट करना है। एंड पीछे से आपको एक राउंड टक कर लेना है। नेक्स्ट फिर साड़ी के पल्लू के साइड को लेंगे और उसको अपने बैक साइड से एक बार राउंड करके अब हम पल्लू के प्लीट्स बनाएंगे। सो अभी मैंने ऐसे रफली पल्लू के प्लीट्स बना लिए और उसे शोल्डर पे ले लिया है, ताकि उसके बाद मैं नीचे के प्लीट्स बना सकूं और तब ना जो पल्लू है वो डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि बाद में तो पल्लू को हमको वाटरफॉल स्टाइल करना है। नेक्स्ट पीछे से मैंने पल्लू के साइड को लिया है एंड ऊपर का जो बॉर्डर होता है ना वो छोटा होता है, तो ऊपर के बॉर्डर को मैं मेजर कर रही हूँ एंड वो जहाँ तक आया है वहाँ तक मैं फिर साड़ी को टक इन कर लूँगी। एंड बाकी का जो पूरा फैब्रिक बच गया है साड़ी का, उसके मैं प्लीट्स बनाना स्टार्ट करूँगी। नॉर्मल प्लीट्स आपको बनाने हैं, जिस तरीके से हम साड़ी जब भी ड्रेप करते हैं तो प्लीट्स बनाते हैं, उसी तरीके से आपको नॉर्मल से जो प्लीट्स हैं वो बनाने हैं। प्लीट्स बनने के बाद उसको वन बाय वन हम अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे, क्योंकि कभी प्लीट्स बनाते हुए ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको इक्वली सेट कर लेंगे। एंड उसके बाद सारे प्लीट्स को ऊपर की तरफ पकड़ेंगे एंड उसको हल्का सा डस्ट करेंगे, तो जिससे जो प्लीट्स की जो स्ट्रेट लाइन है ना वो उसी तरीके से सेट हो जाएगी। किसी किसी साड़ी में बहुत ईजिली सेट हो जाता है, मतलब ये कम्प्लीट फैब्रिक पर डिपेंड करता है, बट किसी किसी साड़ी में आपको किसी की हेल्प लगती है सेट करने के लिए। सो ये क्योंकि सॉफ्ट सिल्क में साड़ी है तो इसकी प्लीट्स बनाना ज़्यादा टफ नहीं है, तो वो इजीली सेट हो गया है और बस इक्वली मैं सारे प्लीट्स को लूँगी एंड उसके बाद उसे मैं टक इन कर दूँगी। सो अब यहाँ पे अगर आप ज़्यादा साड़ी कैरी नहीं कर सकते हैं, या फिर आपका जो बॉर्डर है साड़ी का वो बहुत हैवी है जिसकी वजह से साड़ी नीचे की तरफ आ जाती है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी जो प्लीट्स है सामने उसको सबको एक साथ लेके अपने पेटीकोट के साथ आप पिनअप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जो प्लीट्स हैं सेट हो जाएंगे और वो आगे गिरेंगे भी नहीं। एंड देन सामने का ऊपर का जो फर्स्ट प्लीट है उसको मैंने पकड़ा है एंड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, क्योंकि जब भी हम प्लीट्स बनाते हैं हम डायरेक्टली खींच के प्लीट्स नहीं बनाते हैं, क्योंकि सामने का जो प्लीट है वो हमारा प्रॉपर स्ट्रेट आना चाहिए, तो हम थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देते हैं, तो ऊपर का फैब्रिक प्लीट को मैंने पकड़ा है एंड देन बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने टक इन कर लिया है ताकि वो नीटली आए। एंड उसके बाद अब पल्लू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे वाटरफॉल के लिए सबसे पहले आपको अपने पल्लू के एंड को लेना है एंड ऊपर साइड का जो पल्लू का कॉर्नर है उसको लेना है। एंड जो पतली साड़ी होती है ना वो ईजिली उसके प्लीट्स बन जाते हैं, एंड क्योंकि इसका बॉर्डर काफ़ी हैवी है एंड बीच बीच में ना ऐसे बड़े बड़े फ्लावर्स हैं, तो जिसकी वजह से ना उसको फोल्ड करने में प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से अपने चिन में उसको दबा लिया है एंड उसके बाद जो उसके प्लीट्स हैं वो मैं बना रही हूँ। आपको कॉर्नर को लेना है एंड उसके बाद जो वाटरफॉल जैसा आपका फॉल आ रहा है देखो, उससे आपको अपने प्लीट्स को सेट करना है। एंड जब आपके प्लीट्स बन जाएंगे पल्लू के, देन आप उसे शोल्डर में ले लीजिए एंड सारे प्लीट्स को एक साथ शोल्डर पे सिक्योर कर दीजिए पिन से। अभी यहाँ पे जो प्लीट्स है वो डायगनली हैं, तो स्ट्रेट प्लीट्स जैसे हम नॉर्मल साड़ी ड्रेप में आता है वैसा तो नहीं आएगा, बट आपका जहाँ पे फॉल गिर रहा है आप उस तरीके से प्लीट्स को सेट कर लीजिए। इसमें क्योंकि फ्लावर्स है तो मुझे थोड़ा टफ लग रहा था, मतलब मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, और उसके बाद आप सिक्योर कर लीजिए, प्लीट्स आपके सेट हो गए हैं।
उसके बाद आपके साइड से जो फैब्रिक बचा हुआ है, जो हमने छोड़ा था, वो वाला फैब्रिक आपको लेना है। अभी देखिए, अगर आपको वाटरफॉल ड्रेप अगर आप कर रहे हैं और आपको सर पे अगर पल्लू लेना है, तो ये वाला जो फैब्रिक अभी मैंने जो लिया है, इसको आप वैसे ही छोड़ दीजिए और अपने सर पे थोड़ा सा और लंबा कर लीजिए पल्लू, और अपने सर पे आप पिनअप कर लीजिए, तो आप सर पे भी पल्लू ले लेंगे, मान लो आप किसी पूजा पाठ के लिए इस साड़ी को ड्रेप कर रहे हैं तो। बट अगर आप किसी पार्टी फंक्शन के लिए कर रहे हैं या फेस्टिवल्स के लिए कर रहे हैं, तो जिस तरीके से मैंने लिया है, पीछे से लाके आप साइड में इसे पिनअप कर दीजिए। वैसे तो ये अंदर टक इन होता है बैक साइड से भी, बट क्योंकि मेरा जो बॉर्डर है वो इतना हैवी है, तो मैंने उसको मैं टक इन नहीं किया, मैंने उसको हाइड नहीं किया, मैंने बस ऊपर से उसको कमर पे ही लाते हुए साइड में पिन से सिक्योर कर दिया है। आप चाहें तो बैक साइड से उसको टक इन कर दीजिए, एंड साइड में पिन से ना सिक्योर करके आप उसको ऐसे ही फॉल जैसा हो रहा है कर्व, आप वैसे ही छोड़ दें, उससे भी लुक काफ़ी अच्छा आता है। सो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, अगर आपको सर पे पल्लू लेना है तो आपको कैसा रखना है, और अगर आपको नॉर्मल ड्रेप करना है तो आपको कैसा करना है, बाकी आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से कर लीजिए। सो अब यहाँ पे आप कोई भी आपके पास फैंसी गोल्डन में या ट्रेडिशनल वेस्ट बैंड है, आप उसको अपने वेस्ट पे टाई कर लें, ताकि जो आपके प्लीट्स हैं वो फिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे मेरे पास ये कमरबंद थी, तो मैंने वो कमरबंद यूज़ करके जो अपने जो प्लीट्स हैं उसको सेट कर लिया है। सो अब मेरे सामने के जो पल्लू के प्लीट्स हैं सेट हो गए हैं, सारे प्लीट्स जहाँ पे भी मैंने पिनअप लगाया था, प्लीट्स बनाए थे, सब कुछ सेट हो गया है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा था, क्योंकि बीच बीच में फ्लावर है ना, वो उसके वजह से वहाँ पे जो फोल्ड है वो नहीं हो रहा था, बट ये है ओवरऑल लुक। और क्योंकि इसका बॉर्डर हैवी है, अगेन पीछे की तरफ भी जो कॉर्नर का जो पल्लू था वो थोड़ा सा स्टिफ सा हो रहा था, तो मैंने ना उसको अपने जो कमरबंद के पीछे में फ़िक्स कर लिया था। आप उसको नॉर्मली छोड़ सकते हैं, एक्चुअली वो आप उसको फ्रीली छोड़ दीजिए, उसको आपको पिनअप करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये है ओवरऑल लुक, बट पहनने से जो साड़ी का लुक है आप देखो बहुत अच्छा आ गया है, क्योंकि उसका बॉर्डर इतना खूबसूरत हैवी सा बॉर्डर है, एंड ब्यूटिफुली साड़ी का बॉर्डर फ्लॉन्ट हो रहा है। सो आप लोग भी इस दिवाली, छठ पे या वेडिंग सीजन में वाटरफॉल साड़ी ट्रिप ट्राई करिए, एंड अपना और अपने साड़ी का जो लुक है उसको और ज़्यादा बढ़ाइए। सो गाइज, देखा कितना इजी सा ट्रिप था, बट जो लुक है आपके साड़ी का पूरा ही चेंज हो गया। यूजुअल से आपने अनयूजुअल साड़ी को ड्रेप किया, जिसके वजह से आपका साड़ी का लुक भी बदल गया, एंड आपका भी ओवरऑल जो लुक है ना, हर बार वही कैजुअल सा कॉमन सा लुक होता है, वो लुक भी चेंज हो गया फेस्टिव के हिसाब से। सो कभी कभी हमको ना, हमारे सेम यूजुअल साड़ी को भी हम अगर ड्रेप करने के तरीके को चेंज कर देते हैं ना, तो साड़ी का ओवरऑल पूरा जो लुक है वो चेंज हो जाता है। सो आप लोग मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये ड्रेप कैसा लगा, ज़्यादा टफ तो नहीं था, इजी था। सो ये साड़ी ड्रेप आप अब दिवाली में, फिर छठ में, या फिर उसके बाद तो फिर वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा, आप वेडिंग्स में भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट सा साड़ी ड्रेप है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है, सो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, किस टॉपिक में मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आऊँ जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, एंड या कॉमेंट ज़रूर करिएगा, एंड या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो अब मिलती हूँ बहुत जल्दी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शो ऑल योर लव एंड सपोर्ट। बाय।